हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है रीना हैप्पी किचन में। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही हेल्दी, बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, जो कि होगा ड्राई फ्रूट से। तो चलिए बनाते हैं हम अपनी रेसिपी को। तो सामग्री में है, हमने लिया है ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स में है काजू, बादाम, अखरोट और ये पिस्ता। तो मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच सफ़ेद तिल, और ये है पॉपी सीड, पोस्ता दाना, खसखस इसको बोलते हैं। तो ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है, और ये है खजूर। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी मिठाई। तो फ्राई पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब घी। और मैं ये ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लूंगी। तो ये बहुत ही हेल्दी हमारा मिठाई होगा। इसमें हम बहुत ज़्यादा ना घी डालेंगे, ना चीनी, ना गुड़, कुछ कुछ भी नहीं डालेंगे। अब यहीं पे मैं डाल दूंगी इसमें तिल और ये पोस्ता दाना भी, खसखस, और हल्का सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुका है, हम निकाल लेते हैं इसे। ये देखिए मैंने जो ये खजूर लिया है, ये खजूर का मैंने बीज को निकाल लिया है। ये देखिए सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको मैं मिक्सी जार में डाल करके और इसे मैं पीस लूंगी दरदरा सा। तो इसको हमें बीच बीच में रोक रोक के चला चला करके चम्मच से और हमें पीसना है, नहीं तो ऐसे ये पूरा अच्छे से नहीं पिसाएगा एक बार में। तो हमें बीच बीच में रोक रोक के चम्मच से ऐसे चला चला करके और उसके बाद हमें पीस लेना है इसे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने पीस लिया है इसे, ये देखिए। और इसमें कोई भी कुछ भी पानी ना दूध कुछ भी नहीं डालना है, इसे इसी तरह से पीसना है। ये देखिए फिर से मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, और मैं इसमें डाल दूंगी घी 1 छोटा चम्मच के करीब। ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे हम अपना खजूर को। ये देखिए जो खजूर हमने पीसा था, और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा ये खजूर भी भुन गया है। थोड़ा देर हम धीमी आंच पे भूने हैं। ये देखिए एकदम मैश हो रहा है ये अब। ये देखिए तो इससे पता चल रहा है कि ये हमारा खजूर भुन गया है। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसी में हम सारा अपना ड्राई फ्रूट्स जो है वो डाल देते हैं। और इसको हम अच्छे तरीके से इसमें मिला लेते हैं खजूर में। तो हमारा गैस ऑफ है, पूरे अच्छी तरीके से हमें इसे मिला लेना है। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से मिला लिया है इसे। और इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और इसको हम पूरी तरीके से ठंडा नहीं होने देंगे, हम हल्का गर्म में ही इसे, जो भी आप बनाना चाहें लड्डू बर्फी, तो उसे हमें गरम, थोड़ा गरम में ही बनाना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे अच्छे से हाथ से वो करके और इस तरह से रोल बना लिया है। तो मैं इसका बर्फी बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसका लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता इस तरह से काट करके
और ये खसखस थोड़ा सा पोस्ता दाना इस तरह से मैंने छिड़क दिया है, और मैं ये रोल को इस तरह से इस पे इस तरह से कर दूंगी ताकि ये ऊपर से चिपक जाएगा ऐसे, तो देखने में हमारा और भी बहुत ही मस्त लगेगा। ये देखिए, तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं कुछ देर ही, और इसे आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं या फिर बाहर भी आप रख सकते हैं, थोड़ा देर हवा में रहेगा, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसका बर्फी काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने थोड़ा देर इसे रख दिया था और ये ठंडा हो चुका है, तो अब इसे हम कट कर लेंगे। तो पहले मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ इसे, ये देखिए, तो इसी तरह से हम सबको कट करके रख लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इसी तरह से आप भी ड्राई फ्रूट्स से इस तरह से मिठाई बनाइए और अपनी फैमिली, फ्रेंड, बच्चों को खिलाइए, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट जल्दी खाते नहीं हैं, तो आप भी इस तरह से झटपट से 10 मिनट भी नहीं लगता है बनाने में, और बनाइए और उन्हें खिलाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक, शेयर और कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो हम सबको कट करके रख लेते हैं इस तरह से, इसे जरूर से जरूर बनाइए, जिसे डायबिटिक है वो भी खा सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार की चीनी या गुड़ नहीं डाला हुआ है ये इसमें। और इसी मिठाई को हम मार्केट में लेने जाएंगे तो 1500 किलो के रेट से मिलेगा, और हम घर में बहुत ही इजीली इसे बना लेंगे, और बहुत ही स्वादिष्ट है ये, बहुत ही पौष्टिक है ये, और बहुत ही हेल्दी है ये, तो जरूर से जरूर बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक मिठाई बनकर के तैयार है। तो हम तो जा रहे हैं इसे एंजॉय करने, आप भी बनाइए और आप भी एंजॉय करिए। तो ओके, बाय बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।